Hi Manish, how are you? Hey Naveen, good to see you. Same here. Welcome to E24. Pleasure is all mine. कैसे हो आप? कैसा गया आपका लॉकडाउन, अगर आप हमें बताना चाहें तो? लॉकडाउन वाज फैंटास्टिक. आई थिंक लॉकडाउन मेरे जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम रहा है, क्योंकि इसमें जो भी जो एक्स्ट्रा काम है, जो डोंकी वर्क था, वो सब कट गया. ट्रैफिक टाइम चला गया, क्या हुआ, फालतू में सोशल ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए. तो अभी बचा प्योर टाइम जिसका आप या तो काम करें, या तो मस्ती करें, या तो फैमिली टाइम करें, और इवन फोन कॉन्वर्सेशन, जो बहुत चीजें बहुत प्रिसाइज हो गई. तो इसके लिए आई थिंक इट वाज रियली फैबुलस. आई हैव बिकम अ फाउंडर एंड अ को-फाउंडर फॉर टू स्टार्टअप्स इन बागेन, क्योंकि काम करने का उतना मौका मिला. प्रोडक्शन वाइज वी आर, हमारी एक फिल्म रिलीज हो रही है विच इज रेडी, सेकेंड और थर्ड की तैयारी है, वी आर इन द स्क्रिप्टिंग स्टेज. एज एन एक्टर मेरी फेवरेट फिल्म रिलीज होने वाली है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. So yeah, and I'm preparing for my next two films. So yeah, it's been fabulous. And साथ ही साथ हो गया ये music video. So it was like सोने पे सुहागा. अच्छा, क्या किया सबसे पहले आप जब घर से निकले? सबसे पहला आपने क्या किया lockdown के बाद, जब unlock one announce हुआ तो? यार मैं ना to be very honest, in इस पूरे lockdown में अभी तक सिर्फ एक बार निकला हूँ, और एक बार निकला उसमें भी accident हो गया, उसको कहते हैं शादी. अकेला गया था, दुकेला वापस आया. That's lovely. शादी के बारे में हम बाद में जानना चाहेंगे, उससे पहले हम आपके एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे. निकले तो निकल गए, मतलब पूरे घर के अंदर ही शूट हुआ है. टॉकिंग अबाउट दिस एल्बम, क्या कहना चाहेंगे, क्या है? रैप है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत VFX, बहुत सारी चीजें यूज हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार मैं एक वर्ड में बोलूं तो ये सॉन्ग जो है ना, वो एक उड़ता तीर था जो ले लिया. इट वाज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट जो अनूप और मैंने साथ में ट्राई किया कि कुछ कुछ करते हैं, बिकॉज अनूप एंड आई कीप डूइंग वेरियस. तो उसने गीत आज जो सॉन्ग निकले तो निकल लोगे, 50 सेकंड का कुछ था उसके पास, एंड ही रियली लव्ड दिस लाइन, एंड वी वर लाइक कल यही करते हैं, एंड अप्रोच किया कि तो मैंने उनको सॉन्ग शेयर किया, उन्होंने कहा यार ये कमाल का गाना है, लेट्स डू इट टुगेदर. एंड यू नो हम लोग वी वांटेड हिम ऑन बोर्ड एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू ओब्लाइज. एंड नाज द बोर्ड पे आ गए, कुछ गाना बन गया पड़ा. अभी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे आ गई. तो मैंने कहा यार इतना अच्छा गाना बना है, इतना सुपर मैसेज है, और इतने सही तरीके से मैसेज दिया हुआ है, दिस नीड्स टू हैव अ वीडियो व्हिच हैज its own course, जो suitable हो, बच्चे भी देख के enjoy करें, because it's more develop, the effects है, वो सब के वजह से उनको मजा भी आए, तो वो सब देख हम लोगों ने वो पूरा video plan किया. I had the guidance of सपना वाघमारे जोशी, जो मेरी partner भी है, निवेदिता बात, आप चित्रा and चांदनी, they are always there. तो हम लोगों ने ये इसी room में पूरा song shoot किया. ये song 4 मिनट का है, इसमें 450 कट्स है. तो हरेक कट को चार बार, हर एक कट को 3 बार शूट किया गया है अलग अलग एंगल से. तो इट इज क्रेजी, आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम शूटिंग दिस. इट वाज, तो मेरा सवाल था कि कितना टाइम लगा था आपको ये पूरा शूट करने में? ये शूट करने के लिए इस कमरे में मैं 6 दिन ट्रैप था, 6 दिन पूरी तरह से बंद था, एंड इतना टाइम लग गया क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था अकेले शूट करना, क्योंकि कैमरा वर्क भी खुद ही करना था और फोकस भी खुद ही लेना है, सब कुछ. तो कई बार ना पापा दरवाजा खोलते थे, अंदर आते बोलते योगा कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं पापा, मैं फोकस ले रहा हूँ. तो एक जगह हाथ था, पैर उधर, कैमरा से फोकस. सो ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब शॉट्स लिए गए हैं और अलग अलग एंगल से, बिकॉज एक कमरे में करीबन 50 एंगल्स निकालना वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. Wow. तो मतलब मेहनत किया, बहुत रिसर्च किया है आपने इस पूरे गाने को लेके. Absolutely. Absolutely. There was a lot of more than research. It was a lot of planning because every shot had to be designed pehle board pe.
हाउ इट्स गोइंग टू बी कट, क्योंकि ये पहले जैसे होता था कि दो जना डुप्लीकेट लोग आपस करे बीच में स्क्रीन कट है, वैसा नहीं है. बिकॉज इट आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शॉट, की यहाँ पे लेटा हुआ, यहाँ पे भी मैं हूँ, यहाँ पे भी है, तो वैसे करके बहुत सारे शॉट्स डिजाइन है. सो इट डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लवली. चलिए, ये तो हमारा आपका एल्बम से रिलेटेड था. कुछ हम आपसे पर्सनल लाइफ पे भी जानना चाहेंगे, जो हम बिकॉज आपके शादी के दौरान वहां पे हाजिर नहीं थे, इसीलिए मैरिज हुआ, कितना ज्यादा आपने प्रिकॉशंस बरता? सबसे पहला तो यही सवाल होगा, बिकॉज इस समय हम सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, तो कितना प्रिकॉशंस आपने बरता, कितना क्या कुछ आपने किया था, अगर मतलब तैयारियां करी थी आप बता सके तो. सो ये जो पूरी शादी डिसाइड हुई वो मस्ती मस्ती में डिसाइड हो गई. वी डिडंट नो कि ऐसा कुछ होने वाला है. एक दिन सुबह को मस्ती मजाक में ही हम लोगों ने पापा और मैं बात कर रहे थे, तो मैंने 3 महीने से ब्रेक नहीं लिया. एंटायर लॉकडाउन मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया, तो मैंने अंगड़ाई लिया और मैंने कहा तभी वो निकले तो निकल लोगे का जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनल हो गया. सो आई वेरी रिलीव एंड हैप्पी. तो पापा ने बोला, मैंने बोला पापा अब है ना मैं पूरा एक दिन का आज ब्रेक लेने वाला हूँ. पापा बोलते हैं तो बेशरम शादी भी कर ले. तो मैंने कहा कर लेते हैं. वैसे करके बात हुई, संगीता को फोन किया कि तेरे परिवार वालों से बात करनी है. तो शी वेंट बिजर्क, शी लाइक पागल हो गया, एक दिन में ऐसे कैसे कोई डिसाइड करता है. मैंने कहा प्लीज 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 ऐसे करते हैं. शाम तक, रात तक डिसाइड हो गया. अब प्रॉब्लम ये था कि होगा कैसे, क्योंकि रात तक चीजें डिसाइड हो गई, लेकिन लॉकडाउन है, इसमें परमिशन के प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं, प्लस हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उन्हें बाहर नहीं लेके जाना था, बहुत सारी चीजें थी. तो इसलिए ये शादी कुछ ऐसे डिजाइन की कि पूरी शादी की तैयारी भी जो है वो घर पे ही हुई. संगीता को भी निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मुझे भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने अपने अपने घरों में किया है. जो लोग आए वो टोटल 5 थे, संगीता का भाई, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ, दैट्स इट. सो इट वॉज कम्प्लीट सोशल डिस्टेंसिंग. ड्रेसेस जो डिजाइन हुए मास्क के साथ हुए. हाथ में सारा टाइम स्प्रे था, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले उसको स्प्रे किया जाता था, फिर खाया जाता था, फिर हो गया. सो बेसिकली बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, बिकॉज यू नो किसी एंड इवन माय नेफ्यू एंड नीस एंड बच्चे आना चाहते थे तो उन सबको भी मना किया, क्योंकि किसी की खुशी या मेरे बेस्ट फ्रेंड्स या मेरे ब्रदर्स दे आना चाहते, दे वी टोल्ड देम ऑल नो, क्योंकि कोई खुशी का मौका किसी के लिए खराब ना हो जाए. बिल्कुल. ये पेरेंट्स की जिद थी, क्योंकि 27 नवंबर के बाद की डेट निकली थी 30 जून के बाद, तो पेरेंट्स डिडंट वांट टू टेक अ चांस. पापा ने बोला मैं अपने बेटे का बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ये कभी भी घूस मार जाएगा, इसके पहले शादी करा दो, पार्टी वार्टी बाद में होती रहेगी. इसी चक्कर में छुट्टी से पहले करना था. तो विद कंप्लीट प्रिकॉशंस द एंटायर वेडिंग टुक प्लेस. हर एक चीज का पूरी तरह ख्याल रखा गया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. लवली. कब कैसे मिलना हुआ संगीता से आपका, कब आपको महसूस हुआ उनके लिए, अगर आप हमसे थोड़ा सा शेयर करना चाहे तो. यार आई थिंक स्वाभिमान में तो हमारी बात भी नहीं हुई जहां हम लोग एक्चुअली मिले थे, तो उसका अभी भी वो गिला शिकवा है कि यू नेवर लुक्ड एट मी, यू सॉ थ्रू मी. देन हम लोग सुचित्रा पिल्ले मैम, सुचि मैम की एक पार्टी थी, तो पहले वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और हमारी पहली बात भी बहुत फनी थी, क्योंकि मैं जानता था ये इंट्रोवर्ट है तो इसको खोलने के लिए थोड़ी मस्ती करनी पड़ेगी. तो मैंने इसको बोला, पहले सामने दिखी, मैंने कहा आओ बहन चुगली करें, मतलब किसके बारे में मस्ती करते हैं यार. तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, वहां से दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती से बेस्ट फ्रेंड्स बने, फिर आई थिंक देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड यहां हियर वी आर. तो धीरे धीरे ये सब डेवलप हुआ है, पता ही नहीं चला कब कैसे यहाँ तक पहुंच गए. तो मतलब ये जो शादी वगैरह जो भी हुआ, फिर उसके बाद ये कार्ड वार्ड भी ज्यादा, मतलब हमने देखा कि आपने भी ऑनलाइन कार्ड ये निकाल, हम अब शादी कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आया था आपके फ्रेंड्स का? फैमिली तो चलो पता ही है, पर को स्टार्स और एक्टर्स जितने भी हैं उनका किस तरह रिस्पॉन्स आया? शॉकिंग था उनके लिए, फोन तो आ ही रहे होंगे. शॉकिंग मतलब किसी को, पहली चीज मेरे मजाक करने की आदत की वजह से किसी को विश्वास नहीं हुआ. सब लोगों ने बोला यार ये मजाक कर रहा है. फिर संगीता को लाइन पे लिया गया, उसने भी ये, फिर देन दे रियलाइज, मेरी सिस्टर की इन-लॉज, मेरे फ्रेंड, सब लोग बोले यार एक मिनट ये हमेशा ऐसी ही हरकतें करता है, हमेशा झटके ही देता है, नॉर्मल चीजें करता नहीं है. तो फिर उन्होंने विश्वास कर लिया. एंड ये और सबको पता है कि मेरे साथ ये है कि आई लव पार्टिंग, आई लव कीपिंग पार्टीज एंड गिविंग पार्टीज एंड गोइंग फॉर पार्टीज. सो ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी बचा रहा है, एवरीबडी पार्टी मिलने वाली है, ठीक है.
बट ये था कि जैसे कि अभी जो हो रहा है तो वर्चुअल शादी पूरी प्लान की ताकि किसी कोई मिस आउट ना करे किसी चीज पे. दो कार्ड डिजाइन किए गए, एक फैमिली के लिए एक फ्रेंड्स के लिए. अलग ही ये था, एक बैचलर्स हुआ, सॉरी यंगस्टर्स पार्टी हुआ, एक संगीत हुआ, एक अपना मेहंदी हुआ, एंड देन द फाइनल शादी. एवरीथिंग वाज वर्चुअल. इस बहुत अच्छे से प्लान किया गया. सब लोग अपने अपने ड्रिंक्स लेके बैठते थे, बातचीत करते थे, सबके परफॉर्मेंसेस हमारे पास आए, उसको एडिट करके इसमें डाला गया, एंड देन सो इट वाज ऑल वर्चुअल. किसी भी चीज को इनफैक्ट एवरीबॉडी हैड अ रिस्पांस की इट वाज अ वेरी डिफरेंट बट अ फैंटास्टिक वेडिंग. लाइक मेरी बहन थी, उसमें कुछ 900 लोग आए थे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. वो सब लोग याद रखते हैं, एंड ये शादी भी सब लोग कह रहे हैं कि हमें याद रहेगी क्योंकि इट वाज we never met personally but we could be there for each other, so that was fabulous. Marriage photo shoot bhi bahut hi indoor tha, koi waisa location nahi tha, kuch nahi tha. Kidhar click kiya aapne, aaj hi dala picture. Ye sab mere building mein kiya hua hai. We have this amenities floor jis pe hum log jaake wahan pe pura saaf tha, like koi bhi log nahi the wahan pe. Pura area ko sanitize kiya gaya pehle, aur fir ye kiya gaya taki hum log kisi cheez ko chuhe nahi, aur ye. And then shoot. I think it was just a half matter of half an hour. पड़ा पड़ shoot किया and office आ गए. Wow. मनीष, एक सवाल जो हम देखे, आपने article भी share किया था कि आपकी friend अविका के ही birthday पे ही आपने अपने शादी का date finalize किया था. What made you do this? मतलब क्या था, क्या reason है, क्या है, या sudden plan था, या फिर कुछ और था, अगर आप हमसे बताना चाहें तो. हुआ ये कि दो dates निकली. एक है 15 जून जो है मेरी दूसरी best friend जसवीर कौर का birthday. दूसरा 30 जून जो है अविका का बर्थडे. तो ऐसी बातचीत चली कौन क्या कब करे क्या करे. 15 जून वाज टू अर्ली फॉर एवरीबॉडी. दो तीन दिन में सब कुछ प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और काफी फंक्शंस नहीं हो पाते. तो इसलिए 30 जून डिसाइड किया. तो फिर अभी हम लोग मजाक करते हैं इस बारे में कि अभी चल मैंने 30 जून को कर लिया है. उसने बोला मैं 22 जुलाई को शादी करूंगी तेरे. आई हैव यू गॉट मैरिड ऑन माय बर्थडे, आई गेट मैरिड ऑन योर बर्थडे. सिंपल. बट I think it was this thing, जो dates निकले उनमें से dates choose करने का matter था, that's it. तो कुछ ऐसा planning है honeymoon का, आगे जाने का, कहीं घूमने जाने का? अभी फिलहाल तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ planning आप लोगों ने decide किया है? So संगीता, I have traveled a lot. I am a traveler by heart. तो हिंदुस्तान पूरा cover कर लिया है, बाहर भी बहुत ज्यादा घूमा हूँ मैं. And मैं टूरिस्ट टाइप का बंदा नहीं हूँ कि वहां जाऊंगा मैं आईफिल टावर के सामने फोटो खींचा. आई लाइक स्टेइंग देयर, आई लाइक टू लिव देयर लाइफ, आई लाइक टू लिव विद दोस पीपल, लिव देयर लाइफ. तो यही चीज है ना, संगीता से हमेशा मैं शेयर करता था, तो वो हमेशा कहती है मेरा भी ये सपना है. तो हम लोगों का जो प्लान है, वी एंड माई फेवरेट कंट्री स्विट्जरलैंड. तो उसने मुझे एक प्रॉमिस लिया है कि हम दोनों ने एक दूसरे प्रॉमिस किया है. एक वो मुझे बैचलर्स पार्टी अलाउ करेगी क्योंकि मेरे को सबको वो पार्टी देनी है. बिल्कुल. ट्रैवलिंग जो है मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि कम से कम एक या डेढ़ महीने का ट्रिप वी विल गो एंड लिव इन स्विट्जरलैंड विद द लोकलाइट्स. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज प्लान्ड फॉर नाउ. अभी बस बॉर्डर्स जब खुलेंगे, जब ये सब सिचुएशन ठीक होगा, गेट मैरिड अगेन एंड वी विल गो फॉर अ हनीमून आल्सो. अच्छा मनीष, बर्थडे भी आ रहा है, क्या प्लान है आपके बर्थडे के? कैसे आप सेलिब्रेट करोगे इस समय? तो उस समय तो लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते, पता नहीं. Actually, the thing is, Naveen, my mom was detected with cancer last year. So, and she's fine now. But because of that, बहुत sensitive है, तो इसलिए अंदर बाहर घर के बाहर, like I said, कि मैं 4 महीने में घर के बाहर step out ही नहीं किया है. Even सब्जियां वगैरह भी आती है, सब sterilized. अगर मैं सब नीचे, like everything is arranged in a building, so people come and everything is reaches your house. But जो भी आते sanitized. So अंदर बाहर बिल्कुल बंद है. So let it be birthday, let it be anything, we will not step out. I even Sangeeta got a show right now and she was supposed to start shooting. And she was very kind to sacrifice that. She's like, you know, because mommy's condition is like that, we will not take a chance with that. So we will, I think everything is going to be homebound for next 3-4 months. Shaadi ke baad ki zindagi kaisi hai? Abhi kuch din hi hua hai, lekin phir bhi. Naveen, you have no idea. हम लोग मेरे गुरुद्वारे वगैरह जाके आए, फिर मेरे हो गए, सब लोग थक गए थे, सब सो गए. मैं यार गहरी नींद में सो रहा हूँ, अचानक मेरी आंख खुलती है तो मैंने देखा संगीता मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है. मैं बिस्तर से कूद बाहर निकला और मैं उसको बिस्तर के बोलता हूँ, यहाँ के व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू मैरिड, वी आर मैरिड नाउ.
So I'm still living in the disbelief factor. And also, मेरे लिए pretty, it's fantastic. There's no this thing, but वो बेचारी के लिए बहुत traumatizing है, because जब वो हमारे घर पे आई थी तो यहाँ पे बिल्डिंग में एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने उसको बोला कि इस लड़के से पक्का शादी कर, दोस्त है ना, इसको अपना बना ले, ये सबका बहुत ख्याल रखता है, तेरा तो बहुत ख्याल रखेगा. और बेचारी जब से घर पे आई है, जब बाथरूम में जाती है, बाहर लाइट बंद हो जाती है, बालकनी में लॉक कर देते हैं, ये मतलब उसको उसको जो जितनी मस्तियां जो उसने 3-4 महीने में मिस की है, वो सारे टॉर्चर अभी बेचारी झेल रही है. तो और मैं ही नहीं, मेरे मम्मी पापा मस्ती कर रहे थोड़े. तो मेरी फॉर हर टू कम इनटू दिस कल्चर की सब लोग मस्ती कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ प्रैंक होता है उसके साथ. तो यार शी इज लविंग इट, शी इज एंजॉयिंग इट, बट उसको पता नहीं किधर से क्या होने वाला है उसके साथ. मेरे लिए जिंदगी सही है, उसके लिए बेचारी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. लवली. ठीक है मनीष, होप कि आप आगे मतलब और भी मूवी ऐसे करते रहें और आपकी मूवीज आए, हम भी इंतजार कर रहे हैं. एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, जल्दी हम आपसे मिले, आपका इंटरव्यू करें, हम जल्दी आपके शो के दौरान भी मिले, उम्मीद करते हैं. एंड संगीता इज सच अ लवली वुमेन, हम मिल चुके हैं शूट के दौरान भी, मैं मिला, एंड यू आर लकी, मैं आपको ये कहना चाहता. I totally agree. मुझे से रावण को ऐसी सीता नहीं मिलनी. मैं बहुत ज़्यादा problematic हूँ, and she's too sweet. I think yeah, you're right about it. I'm very lucky to have her. चलिए, thank you so much, and मिलते हैं हम आपसे. Thank you Navi, thanks a ton for your time. Thank you so much. Bye. Bye.